हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ सिंघाड़ा, गाजर और खीरा के सैलेड बनाने की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस चटपटी रेसिपी। यहाँ पर हम थोड़े से सिंघाड़े ले लेते हैं और साथ में दो गाजर ले लिए और दो खीरे ले लिए और दो हरी मिर्च और आधा नींबू। सबसे पहले हम सिंघाड़ों को कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो सिंघाड़े रखे हैं उन्हें हम फटाफट से कट कर लेते हैं। सिंघाड़े कच्चे खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और इन्हें कच्चे भी हम ऐसे ही खाते रहते हैं। सिंघाड़ों को सब्जी से ज़्यादा सैलेड के रूप में खाया जाता है, तो इससे कच्चा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसका बना लेते हैं सैलेड। तो यहाँ पर हमने सिंघाड़े काट लिए हैं। अब यहाँ पर हमने दो खीरे रखे हैं, उन्हें भी हम काट लेंगे। तो बहुत लंबे में नहीं काटेंगे, छोटे छोटे पीस में हम इसे काट लेंगे। खीरा, गाजर और सिंघाड़े का जो सैलेड बनेगा वह बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। खाने के साथ हमारा ये सैलेड बहुत अच्छा बनकर तैयार हो जाता है। तो खीरे भी हमने यहाँ पर काट लिए हैं और अब हम गाजर को भी काट लेते हैं। आजकल गाजर हमें ऑरेंज कलर का मिलता है, तो हम इसका सैलेड बना लेते हैं। और तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद बहुत बढ़िया टेस्ट हमारे सैलेड का बनकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने सारी चीज़ें काट ली हैं और मिक्स करने के लिए हमने इसको एक बोल में डाल लिया। अब यहाँ पर हम इसमें डाल लेंगे सॉल्ट। सॉल्ट थोड़ा हम ज़्यादा डालेंगे। और अब इसमें डाल लेते हैं रेड चिली पाउडर। हम इसमें सिर्फ सॉल्ट और रेड चिली पाउडर डालेंगे, बाकी कोई भी चाट मसाला या ऐसे मसालों का यूज नहीं करेंगे। बल्कि सिंघाड़े का और खीरा और जो गाजर है उनका टेस्ट को बरकरार रखना है, इसलिए सिर्फ दो ही मसाले डालकर इसमें डाल लेते हैं नींबू। नींबू का रस इसमें डाल लेते हैं। नींबू इसमें डाल लिया है और दो मिर्च ले लेते हैं और मिर्च को खड़ी में हम काट लेंगे। खड़ी में काटने के बाद इसमें डाल लेते हैं, जो भी मिर्च खाना चाहे वो खा सकता है इसमें से। और चटपटी बनाने के लिए हमने रेड चिली पाउडर का यूज किया है और ऊपर से डाल दिया इसमें हरा धनिया। और यहाँ पर सैलेड बनकर हो गया है तैयार। इसे कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हमारा सैलेड बनकर हो गया है तैयार। जब भी हम किसी भी चीज़ का सैलेड बनाते हैं तो सैलेड में हमें बहुत ज़्यादा मसालों का यूज नहीं करना है। इसके टेस्ट को बरकरार रखने के लिए हमें इसमें कम से कम मसाले डालकर इसे बनाना है टेस्टी। जैसे हमने यहाँ पर सिर्फ नमक और लाल मिर्च पाउडर डाली है, तो हमारा सैलेड बहुत अच्छा बनकर तैयार हो गया है। खाने के टेस्ट को बढ़ाने के लिए सैलेड का होना ज़रूरी है, तो हमें अलग अलग चीज़ों का बनाना चाहिए सैलेड। जैसे आज हमने बनाया है खीरा, गाजर और सिंघाड़े का। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप भी अलग अलग चीज़ों का बनाइए सैलेड और खुद खाइए, अपने घर में सभी को खिलाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो आती है पसंद, प्लीज़ कीजिएगा लाइक, अपने फ्रेंड्स में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।